ये जो वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं, इमैक्युलेट इंग्लिश, जिनके टर्स और पर्स परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट नहीं होते। और दूसरे वो जो कुछ इंग्लिश वर्ड्स इतने हिंदी स्टाइल में बोलते हैं कि हिंदी भी शर्मा जाए। उन लोगों के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स जो आम तौर पे वो गलत प्रोनाउंस करते हैं, बोले तो उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन गलत होती है। वो कौन से वर्ड्स हैं और उनके सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, आज मैं आपको बताऊंगी। एक ऐसा वर्ड है जो 99.99% लोग गलत बोलते हैं, इनफैक्ट न्यूज चैनल्स भी गलत बोलते हैं, जबकि सबसे ज्यादा वो ही उसे यूज करते हैं। दैट इज डिवेलपमेंट, DEVELOPMENT इज नॉट डेवलपमेंट, डिवेलपमेंट इज इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इट्स डिवेलपमेंट, द पे छोटी की मात्रा, डिवेलपमेंट। सर्दी हो या गर्मी, अम्मी कहती हैं जब भूख लगती है तो चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए, बादाम खाने चाहिए। अब बादाम तो ठीक है, लेकिन बादाम को इंग्लिश में कभी कभी आप गलत प्रोनाउंस करते हैं। जानती हूँ कि स्पेलिंग होती है ALMOND, मगर इसका एल तो साइलेंट है। इट्स नॉट almonds, इट इज almond, ओके, आप almonds खाते हैं। यू नो, एक वर्ड ऐसा है जो आपको पता है कि वो क्या है, लेकिन जब आप उसको बोलते हो ना तो कई बार वो गलत निकल जाता है, एंड दैट इज डेस्कटॉप, DESKTOP इज नॉट डेस्कटॉप, इट इज डेस्कटॉप। आप एक्चुअली अपने ऑफिस में कई लोगों को सुनते होंगे कि वो बोलते हैं डेस्कटॉप खोलना, इट्स डेस्कटॉप। ओके, मैं विकिपीडिया नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो जो कार रेसेस हैं वो शुरू कब हुई थी, मगर मुझे इतना पता है कि जो कार रेसिंग कंपटीशन होता है उसको ग्रैंड प्रिक्स नहीं बोलते, उसका स्पेलिंग GRANDPRIX जरूर होता है, बट द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट ग्रैंड प्रिक्स, इट्स ग्रां प्री। व्हाट इज इट? ग्रां प्री। मंडे ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे। पहले मैं भी यही सोचती थी कि वेडनेसडे, पता है क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल में एक फेवरेट टीचर थी और उनको सही प्रोनाउंसिएशन उसकी नहीं आती थी। बट इट्स नॉट वेडनेसडे, इट्स वेंसडे, द डी इन वेंसडे इज साइलेंट, इट्स वेंसडे नॉट वेडनेसडे। MASS, अब वो चाहे वजन हो, बहुत सारे लोगों या फिर चर्च में होता हो, प्रोनाउंसिएशन इज नॉट मास, नो इट्स नॉट मास, इट्स मैस। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ MASS इज मैस। अब चूंकि मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन की क्लास ले रही हूं तो मैंने चश्मा पहन लिया ताकि मैं टीचर की तरह लगूं। लेकिन ऑल आई वांटेड टू टेल यू वाज कि जब नल खराब हो जाता है या फिर वाटर पाइप में लीकेज आता है तो आप किसको फोन करते हैं? किसको? प्लम्बर को। एक्चुअली उसको फोन करेंगे तो उसको यही समझ में आएगा, लेकिन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट प्लम्बर, इट्स प्लमर, PLUMBER, में बी इज साइलेंट, इट्स प्लमर, इट्स नॉट प्लम्बर। लेकिन फोन करके आप प्लम्बर ही कहिएगा, वरना उसको समझ में ही नहीं आएगा। झूठ मत बोलिए यार, आप भी ऐसे गाड़ी में देख के बाल्टी करते हैं ना। अच्छा, ये क्या है? कार तो है, पता है, ठीक है। एक और वर्ड होता है VEHICLE, व्हाट्स दैट वर्ड? व्हीकल। नो, इट्स नॉट व्हीकल, द एच इज साइलेंट, इट्स व्हीकल, VEHICLE इज व्हीकल। अब जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो मैं चाहती हूं कि आप नीचे वाले सेक्शन में कुछ लिखें। आप क्या करेंगे? कमेंट। इट्स कमेंट, COMMENT इज नॉट कमेंट। आप नाउन की तरह यूज करें या वर्ब की तरह यूज करें, द प्रोनाउंसिएशन इज कमेंट। ओके, सो आफ्टर दिस वीडियो आई वांट यू टू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट ऑन इट।